हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 5 में क्या है, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और हमें फिगर देखकर आपको साइड्स और एंगल के रेशियो देखकर बताने हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं है, और अगर सिमिलर हैं तो ये किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करके हम बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम दोनों ट्रायंगल की बात करें, इन गिवन ट्रायंगल्स एंगल ए और एंगल एफ जो है इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, दूसरा अगर देखिए इंक्लूडिंग साइड्स जो है, इस एंगल को इंक्लूडिंग साइड्स, तो ए बी हमें पता है, तो ए बी डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का साइड देखें तो एफ डी एक हम ले सकते हैं एफ डी, और ये बराबर है आपको 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट आप देखिएगा तो सेकेंड इंक्लूडिंग साइड जो है ए सी है, बट ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, एसी पता नहीं है और यहाँ एफ ई दिया हुआ है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग एंगल साइड्स जो है उसकी रेशियो इक्वल नहीं है। ठीक है, एस साइड्स इंक्लूडिंग एंगल आर नॉट प्रोपोर्शनल ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, दिस टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।